सवाल करने के लिए आपको लेकर चलते हैं नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान वडनगर, जहां पर उन्होंने जन्म लिया, अपने पिता के साथ एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय बेची ताकि घर में दो पैसे आ सकें। ऐसे नरेंद्र मोदी को लेकर क्या सोचती है वडनगर की जनता, कौन से बड़े मुद्दे होने वाले हैं जिसको लेकर वो चुनाव में करेगी चोट नेताओं पर, इसी बारे में आज करने वाले हैं गुजरात के वडनगर से हम बड़ी पड़ताल। भाई नेता नेता तो मोदी, हाल तो मोदी से मार दो, मोदी मोदी साहेब क्यों साहेब, मुख्यमंत्री नाम जानो, नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र पटेल नहीं जानते, भूपेंद्र पटेल। गुजरात भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला। गुजरात नए नए पैंतरे और सियासी दांव आजमाने वाला राज्य। सवाल है कि क्या मोदी और गुजरात एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, या फिर मौजूदा गुजरात को मोदी से अलग करके देखा जा सकता है। अने उबाड़ा करवानो जो कॉन्ट्रैक्ट छे, गाड़ो भांडवानो जो कॉन्ट्रैक्ट छे, એમણે આઉટસોર્સ કરી દીધું છે, બીજાને આપી દીધું છે, આ કામ તમે કરો, આખું ગુજરાતનું વાટવાણ ડોળો, હોબાળા કરો, ચીચિયારીઓ પાડે, ગંદુ બોલો, એ કામ એમને સોંપ્યું છે અને ગામડામાં જઈને બેઠું કામ એમણે ચાલુ કર્યું। વેસે તો મોદી કો દિલ્હી ગયે 8 સાલ હો ગયે, વહાં કે સિંહાસન પર લોગો કે પ્યાર કી વજહ સે બીતે 8 વર્ષો સે વો વિરાજમાન હે, લેકિન ગુજરાત કે લોગો કા દિલ તો આજ ભી સિર્ફ ઉન્હી કે લિયે ધડકતા હે। भाई नेता नेता तो मोदी, हाल तो मोदी से मार दो, मोदी मोदी साहेब क्यों साहेब। साल 2001 में मोदी जब गुजरात की गद्दी पर बैठे तो तब से लेकर आज तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, इसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले उस जगह पर चलते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया, नाम है वडनगर। वडनगर में प्रवेश करने के पहले ही हमारी नजर पड़ गई एक बेटी की मूरत पर। वडनगर शहर मां आपनु स्वागत छे, एक बड़े से दरवाजे पे लिखा हुआ ये मिल जाएगा, जो बड़ा द्वार बनाया गया है वडनगर में प्रवेश करने के लिए। लेकिन उसके ठीक पहले अपने हाथ में किताब लिए एक बेटी आपको नजर आएगी इस चौराहे पर पढ़ाई करते हुए। वैसे तो हरियाणा के पानीपत से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, लेकिन उनके वडनगर में बच्चियों की शिक्षा का क्या है हाल, ये पड़ताल करने के लिए चलते हैं अंदर। रेडर बाइक रिपोर्टर ने वडनगर के लोगों से सियासी मिजाज समझने की अब कोशिश की, तो कुछ लोग ऐसे भी मिल गए जिनका दावा था कि उन्होंने तो मोदी के हाथ की चाय भी पी है, और ये बताते हुए वो फूले नहीं समाते। कबलपुर में हम हैं और यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जरा बात करते हैं। विकास हुआ है आपके इलाके का? यस हुआ है। किया है प्रधानमंत्री ने? किया है। उनके दिल्ली जाने के बाद जो स्थानीय क्षेत्रीय नेता हैं उन्होंने काम किया है या नहीं किया है? नहीं, 60% हुआ है। अच्छा, 40% बाकी है। सब उसकी चाय पीते थे वो। साथ में चाय पीते थे उसके हाथ की। चाय पीते थे उसके हाथ की, क्या बात कर रहे हैं। बनाते थे चाय वो? वो बनाते थे। एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। बनाते थे। कब बनाते थे? सुबह में। कहाँ पे? रेलवे स्टेशन के बाजू में। कामकाज हुआ है यहाँ पर? हाँ, बहुत ही बढ़िया हुआ है मैडम। अच्छा किया है? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी सरकार रिपीट होगी बीजेपी की, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का जोर चलेगा? सरकार बीजेपी की रिपीट होनी ही चाहिए, होगी। क्यों? 130 से 35 बैठक आएगी बीजेपी की। 27 साल से बीजेपी की सरकार, 270 साल तक चाहिए, 200 साल तक वही चाहिए। क्यों? 200 तक उसका विकास, जब हम पढ़ते थे ना मैडम, छोटे थे
तब बिजली नहीं थी, खाने के टाइम बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी 24 घंटे बिजली और जो लेडीज की क्या बोलते हैं सुरक्षा, कहाँ भी किसी की टाइम जाओ कोई दिक्कत नहीं। नेता तो मोदी, हाल तो मोदी से हमार दो मोदी साहेब ने क्या अच्छा काम किया है? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, बहुत अच्छा। खाली नरेंद्र मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, आप बताइए नरेंद्र भाई मोदी क्यों? विधवा बहनों ने सहाय आपे छे, कोई गरीब ने सहाय आपे छे। कौन कौन जीत रहा है? मोदी और केजरीवाल, राहुल गांधी, ये लोग नहीं। खाली मोदी। हाँ, मोदी क्यों? मोदी साला के बदूज काम करे हमारो, बहुत काम किया है। हाँ, कहो। हाँ? गुजरात के अलग अलग हिस्सों में आप जाएंगे, चाहे देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, नरेंद्र मोदी के लिए खासतौर से जब महिलाओं के पास आप जानते हैं तो एक अलग तरह की दीवानगी नजर आती है। और यहाँ की भी महिलाएं यही कह रही हैं कि अब की बार एक बार फिर से मोदी सरकार, हालांकि मोदी जो तो दिल्ली में है, गुजरात के लिए चुनाव होना है, लेकिन इन लोगों का जो बटन है वो मोदी के नाम पर ही, उनके निशान पर ही दबने वाला है। हैरानी तो इस बात की भी रही कि वडनगर में ऐसे कई लोग मिले जिन्हें अपने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का नाम तक नहीं पता था। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोदी को जानते हैं और चुनाव में उन्हीं के नाम पर बटन भी दबाते हैं। आप बताओ कौन है नरेंद्र मोदी? खबर नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री। और भूपेंद्र पटेल जानते हो? भूपेंद्र पटेल नहीं जानते हो? भूपेंद्र पटेल नहीं पता है? भूपेंद्र पटेल किसी को नहीं पता है? भूपेंद्र पटेल आपको पता है? भूपेंद्र पटेल कौन है? हमारे से खबर नहीं साहब, नहीं खबर। खाली मोदी, हमको मोदी भी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी अच्छा काम करता है। कौन सा अच्छा काम किया है? मोदी ने सबको ये रोड बनाया। हाँ। घर सबको पास किया। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पता है? नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पता है? नहीं पता है। खाली मोदी ही। खाली मोदी पता है। देखिए, ये राज्य है, राज्य के लिए मुख्यमंत्री चुना जाता है ताकि राज्य के विकास को तेज रफ्तार दे, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे तो मोदी के नाम पर वोट डालने की लोग बात कहते हैं और इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री कौन है उनका नाम इनको नहीं पता। शायद ये ब्रांड मोदी ही है कि प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री के हाथों में होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनका नाम तक नहीं जानते।